हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो देखिए, हम लोग कर रहे हैं राजस्थान जीके के कुछ प्रश्न, और ऐसे नए प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो बहुत अच्छे से जो है वो तैयारी करिए, जहाँ से भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, और आज के जो नए प्रश्न हैं उनके आंसर देने की कोशिश करें। तो यहाँ देखें, क्वेश्चन 31 है, कौन सा राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में नहीं लड़ा था? कौन सा राजपूत सरदार हल्दी घाटी का युद्ध जो 18 जून या 21 जून को हुआ था, तो इसमें महाराणा प्रताप के पक्ष में नहीं लड़ा था? राम सिंह तंवर हैं, सेकंड है बीदा झाला, थर्ड देखें रावत कृष्णदास चूंडावत या अशोक परमार। तो बताइए इसमें से जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। तो यहाँ पर जो है वो ध्यान दें, यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा अशोक परमार। ठीक है, अशोक परमार जो हैं हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में नहीं लड़े थे। इसके अलावा ये भी नाम ध्यान में रखें, रावत कृष्णदास चूंडावत, बीदा झाला और राम सिंह तंवर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो मैंने दो के आंसर जो है वो आप लोगों को बताए बहुत अच्छे तरीके से, और डिटेल मैंने आपको समझाया ताकि आपको चीज़ें याद रह सकें। 32 क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा के द्वारा कृत नहीं है? तो यहाँ पर राणा कुंभा द्वारा कृत जो ग्रंथ हैं, कला निधि, संगीत राज, संगीत मीमांसा या सूंद प्रबंध, तो इसमें से ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो राणा कुंभा ने नहीं लिखा है? तो अभी हाल ही में मैंने कोर्स में, जो भी बच्चे कोर्स के यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनको कराया है राणा कुंभा का, बिल्कुल अच्छे से टॉपिक, हर एक पॉइंट मैंने आपको वहाँ पर समझाया है, बताया है। तो इसमें से कौन सा सही रहेगा, फटाफट से सोचिए आंसर। तो इसमें से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा के द्वारा कृत नहीं है, क्या रहेगा आंसर यहाँ पर? तो देखिए, यहाँ पर आंसर रहेगा कि जो कला निधि है ये राणा कुंभा के द्वारा कृत नहीं है। इसके अलावा संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूंद प्रबंध, ये किसके द्वारा कृत हैं? राणा कुंभा के द्वारा कृत हैं। अगला देखें, 33 क्वेश्चन, चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ था? 1570 ईस्वी में, 1568 ईस्वी में, 1567 में या 1569 में? तो ये जो साका है जब हुआ तब चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया था, ये भी आप बताइए। तो फटाफट से कमेंट में जो है वो लिखिए कि चित्तौड़ का तीसरा साका किसके समय हुआ था। अब देखिए बिल्कुल कि चित्तौड़ का जो तीसरा साका है वो किसके समय पर हुआ था, अकबर। ठीक है, अकबर जो है इसने चित्तौड़ पर क्या किया था, आक्रमण कर दिया था। और यहां पर जो शासक थे चित्तौड़ में वो थे उदय सिंह। ठीक है, कौन थे? उदय सिंह थे। उदय सिंह कौन? महाराणा प्रताप के पिता। ठीक है, तो जब आक्रमण कर देता है और उदय सिंह जो है वो घायल भी हो जाते हैं, तो यहाँ चित्तौड़ छोड़कर जो है वो गोगुंदा चले जाते हैं। ठीक है, और चित्तौड़ की जो जिम्मेदारी है, यहाँ पर दो अहम नाम जो है वो याद रखें, जयमल और फत्ता, तो इनके ऊपर जो है वो सौंप जाते हैं ये जिम्मेदारी और गोगुंदा चले जाते हैं। यहाँ पर जयमल हैं, फत्ता हैं और कल्ला जी, चार हाथों के देवता जिनको कहते हैं, ये तीनों जो हैं वो क्या करते हैं, केसरिया करते हैं। और जो फत्ता की जो पत्नी है फूल कवर, इनके द्वारा किया जाता है जौहर। ठीक है, तो ये मेवाड़ का तीसरा शाखा कहलाता है, और मेवाड़ का ये तीसरा भी और अंतिम शाखा होता है, ये भी आप ध्यान में रखें। तो सन जो है वो आप लोगों ने बताई है, बिल्कुल सही आंसर है इसका 1568 ईस्वी। डेट यदि पूछे एग्जाम में तो 25 फरवरी। ठीक है, और इसके बाद जो है अकबर क्या करता है कि आगरा की जो, आगरा का जो किला है उसके बाहर जयमल और फत्ता ये वीर गति को प्राप्त हुए थे, बहुत ही बहादुर थे, तो इनसे जो है इनकी वीरता से प्रसन्न होकर जयमल और फत्ता को जो है हाथी पर बैठी हुई पत्थर की मूर्ति जो है वो आगरा किले के बाहर बनवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताती हूँ, जो भी बच्चे राजस्थान के बाहर के हैं, जो राजस्थान के हैं उनको तो पता है कि जौहर क्या होता है और केसरिया क्या होता है, और जब जौहर और केसरिया दोनों होता है तो उसी को कहा जाता है शाका। ठीक है, अब केसरिया क्या होता है कि प्राचीन काल में जो राजस्थान में जो राजपूत शासक थे, जब वो ये देखते थे कि अब जो है हमारी हार निश्चित है, तो वो जो मुगल होते थे उनके सामने
आत्मसमर्पण नहीं करते थे, बल्कि युद्ध में जो है वो तैयार होकर और वीर गति प्राप्त करने के लिए निकल जाते थे, ठीक है, और वहाँ पर जो है वहाँ वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। इसको कहते थे केसरिया। और जो उनकी जो पत्नियाँ होती थीं वो क्या करती थीं, जो हिंदू स्त्रियाँ थीं वो करती थी कि जो जौहर कुंड है उसमें आग लगाकर जो है खुद को उसमें झोंक देती थी, उसमें कूद जाती थी, ताकि जो है युद्ध के बाद अपनी मर्यादा की जो है वो अपने सतीत्व की जो है वो रक्षा कर सके। तो जब एक साथ होता था जौहर और केसरिया तो इसको कहा जाता था शाका, ठीक है। तो ये आप जो है वो ध्यान में रखें। तो चित्तौड़ का जो तीसरा शाका या अंतिम शाका जो है वो अकबर के समय हुआ था। उदय सिंह जो है यहाँ के शासक थे और ये जो शाखा है 25 फरवरी 1568 ईस्वी को होता है। हल्दी घाटी युद्ध को बंदायूनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी? कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था और ट्रिक भी बताई थी, थर्मोपल्ली युद्ध, खमनोर युद्ध, दिवेर युद्ध या गोगुंदा युद्ध। इसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को कि हल्दी घाटी युद्ध को बंदायूनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी। अब देखिए, हमने लास्ट में जो दो टेस्ट किए हैं, टेस्ट 1 और टेस्ट 2, तो बिल्कुल सभी क्वेश्चन अलग हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन अलग है और हर क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा कि बंदायूनी ने इस युद्ध को कहा गोगुंदा का युद्ध, ठीक है। और मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको कि बंदा गो हो गया, और गोगुंदा का युद्ध जो है क्यों कहा था, क्योंकि खमनौर और गोगुंदा के बीच में पड़ता है राजसमंद और हल्दी घाटी वहीं पर ही है, यहीं पर जो है वो युद्ध हुआ था। 21 जून 1576 या 18 जून 1576 आप कर सकते हो आंसर, ठीक है। दो में से एक ही जो है वो ऑप्शन आपके एग्जाम में आएगा। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष में हुई थी? 1534, 1467, 1567 या 1303। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो घुमाकर आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ उनका सभी का आपको आंसर आना चाहिए, यदि आप बिल्कुल सही तरीके से तैयारी कर रहे हो और ऐसी जगह से तैयारी कर रहे हो जो आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सही है, ठीक है, ऐसी ही बुक का सहारा आप ले रहे हो। तो यहाँ आंसर रहेगा 1303 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन से ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत स्वप्न या सूर्ण प्रबंध। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर्ण प्रबंध, ये तीनों ही महाराणा कुंभा के द्वारा हैं। संगीत स्वप्न जो है ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? कुंभा के समय, रतन सिंह के समय, लक्ष्य सिंह के समय या क्षेत्र सिंह के समय। तो सोचिए इसमें से सही आंसर क्या रहने वाला है, यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। जो कोर्स के बच्चे हैं तो वो ये सब कर चुके हैं, और यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है हर एक के आंसर आप देंगे। तो यहाँ जो आंसर है वो है लक्ष्य सिंह, ठीक है, लक्ष्य सिंह या राणा लाखा, ये वही है राणा लाखा, इनको लक्ष्य सिंह भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये सही आंसर है इनका कि इस समय जो है वो मेवाड़ में इनके समय जावर खान से जो है वो चांदी भी मिली थी और साथ में जो है वो सीसा और जस्ता ये भी मिला था, सीसा प्लस जस्ता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक 25 फरवरी 1571 में, राणा प्रताप का देहांत 19 जनवरी 1597 में या राणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540। तो मैंने आपको बताया कि राणा प्रताप के बारे में जो है वो हर फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है वो आते हुए क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो। तो यहाँ पर जो गलत है वो क्या है, यानी तीन तो सही लाइनें हैं और एक गलत है, तो सोचिए क्या सही रहेगा। तो देखिए सही सही लाइनें क्या हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था, राणा प्रताप का देहांत तो जो है वो 19 जनवरी 1597 को हुआ, राणा प्रताप का जन्म जो है वो 9 मई 1540 को हुआ था। मैंने आपको बताया भी कई बार कि इनका देहांत तो जो है वो सर्दियों में हुआ था और इनका जन्म जो है वो गर्मियों में हुआ था, ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है।
डेट भी आप ध्यान में रखें, 19 जनवरी 1597 देहांत, जन्म 9 मई 1540 को, और हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो इनका जो राज्य अभिषेक है वो 25 फरवरी 1571 को नहीं हुआ था। तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 फरवरी, फरवरी का माह तो ठीक है, 28 फरवरी 1572 में, ठीक है, 32 वर्ष की उम्र में। और कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था, महादेव बावड़ी पर हुआ था। इनके पिता जो हैं, उनकी मृत्यु जो है वह भी इसी दिन हुई थी। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा शासक अभिनव भारताचार्य के नाम से प्रसिद्ध है? राणा सांगा, राणा कुंभा, भारमल या जयसिंह? क्या रहेगा सही आंसर? कौन सा शासक अभिनव भारताचार्य के नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट देखिए क्या है कि राणा कुंभा जो हैं तो इनको कई उपाधियाँ प्राप्त थी, ठीक है, तो जिसमें से एक उपाधि का नाम है अभिनव भारताचार्य। इसके अलावा जो हैं और भी आपसे पूछा जा सकता है उपाधियों के बारे में, ठीक है, राणे राय, राणे रासो, हाल गुरु, जाप गुरु, शैल गुरु, अश्व गुरु, दान गुरु, हिंदू सुरतार, इस तरीके से आप नाम ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखिए, गणेश्वर सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ सभ्यता से संबंधित एक क्वेश्चन है, यहाँ अत्यधिक मात्रा में लोहे के आयुध और उपकरण मिले हैं। अगला देखें, रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में यहाँ के 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता कांथली नदी के उद्गम पर स्थित है। गणेश्वर सभ्यता को भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। तो आजकल जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि चारों ऑप्शन जो हैं, चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन जो है अब कम ही एग्जामिनर पूछता है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, नहीं पूछता है। इसका मतलब क्या है कि आपको ज्ञान जो है वो पूरा होना चाहिए, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर सही क्या रहेगा? यहाँ अत्यधिक मात्रा में लोहे के आयुध या उपकरण मिले हैं, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो तांबा होता तो ये भी सही हो जाता, ठीक है। और सबसे जो प्राचीन सभ्यता है, ताम्र सभ्यता की जो है जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को, तांबा जो है वो भरपूर यहाँ पर मिला है। यदि यहाँ होता तांबा तो ये भी सही हो जाता। इसके अलावा तीनों फैक्ट देखिए सही, कि रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में 2800 ईसा पूर्व के सभ्यता से अवशेष मिले, कांथली नदी के उद्गम पर स्थित है ये सभ्यता, और भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी इसको कहा जाता है, ठीक है, तीनों ही चीज़ें याद रखें। हाइड्रोलिक रूलर कहा गया है, किसे कहा गया है? अनूप सिंह को, मान सिंह को, राज सिंह को या राय सिंह को? हाइड्रोलिक रूलर कहा गया है, किसे कहा गया है? तो सोचिए फटाफट। यहां पर जो सही आंसर रहेगा वो है राज सिंह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इनको इसके अलावा जो है विजय कट केतु भी कहा जाता है, विजय कट केतु, ये भी उपाधि जो है किसकी है? राज सिंह की है। राज सिंह कहाँ के हैं? ये मेवाड़ के, ठीक है। जो राय सिंह हैं वो कहाँ के थे? बीकानेर के। तो इनके समय में जो मुगल थे तो वहाँ पर जो है उत्तराधिकार के लिए झगड़े हो रहे थे, दारा सिंह औरंगजेब में झगड़े हो रहे थे, तो राज सिंह जो हैं उस वक्त सहायता करते हैं औरंगजेब की, औरंगजेब इनसे हेल्प मांगते हैं। इसका मतलब इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे औरंगजेब से, लेकिन औरंगजेब से ही बाद में बहुत जो है झगड़ा होता है, इनका मन मुटाव हो जाता है। उसका कारण क्या था कि जो ये राज सिंह हैं तो ये औरंगजेब की जो है शादी होने वाली थी, इनकी जो होने वाली पत्नी थी चारुमती, इनसे इनका औरंगजेब का विवाह होने वाला था, लेकिन चारुमती भी नहीं चाहती थी औरंगजेब से विवाह करना। तो राज सिंह जो है इनकी अनुमति के बिना, औरंगजेब की अनुमति के बिना जो है चारुमती से विवाह कर लेते हैं। और राज सिंह का साथ जो है सलूम्बर के जो राजा रतन सिंह थे वो साथ देते हैं, ये भी आप याद रखें, ठीक है। और रतन सिंह की ही जो पत्नी थी कौन थी? सहल कंवर, जिनको हम हाड़ी रानी के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारी जो है वो कहानियाँ हैं, कहानियों के माध्यम से ही जो है चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती हैं। तो ये सभी कहानियाँ जो हैं वो हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें,
वह प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया था। तो ये लाइन पढ़ते ही आपको ये तो पता लग गया होगा, मेवाड़ की बात हो रही है, मारवाड़ की हो रही है, बीकानेर की हो रही है, किसकी बात हो रही है। ठीक है, ऐसे राजपूत शासक जो कि जीवन पर्यंत जो है वो लड़ाई करता रहा और बिल्कुल आत्मसमर्पण नहीं किया मुगलों के सामने, यहाँ रणनीति का सहारा जो है वो दुर्ग यानी किलों को नहीं बनाया, जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों को बनाया, तो वो कौन थे? तो बहुत ही सरल है ये प्रश्न, राव चंद्रसेन थे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, निम्न में से किस मुद्दे को लेकर मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह या राणा सांगा वह मांडू के सुल्तान जो है वो महमूद के बीच में युद्ध होता है, किस मुद्दे को लेकर होता है, वो मुद्दा क्या था? बाज बहादुर, मेदनी राय, आसफ खां या जलाल खां? तो सोचिए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो रहने वाला है मेदनी राय। ठीक है, आंसर रहेगा मेदनी राय। नेक्स्ट देखें, हमीर देव चौहान ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे, कुल कितने युद्ध लड़े थे? इतना छोटा सा जो है, बहुत ही जो है बच्चे ध्यान ना दें, ऐसे प्रश्न हैं ये। तो हमीर देव चौहान ने अपने जीवन में कितने युद्ध लड़े, ये भी प्रश्न बन जाता है। 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें से कितने युद्ध जीते? 16 युद्ध जीते थे। ठीक है, वह अंतिम युद्ध जो है 1303 ईस्वी का है, अलाउद्दीन के विरुद्ध था, और ये युद्ध वह किसके धोखे के कारण जो है हारा था? इस युद्ध के बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया, रणमल और रतिपाल, जैता और कूपा, चाचा और मेरा, गांगे व नागार्जुन। ठीक है, तो सोचिए सही आंसर क्या होगा। मैंने आपको इतने अच्छे से स्टोरी भी बताई, ट्रिक भी बताई मैंने आपको कि ये एग्जाम में पूछ सकता है, किसने धोखा दिया था यहाँ पर? यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने लालच जो है वो दिया था रणमल और रतिपाल। याद कैसे कराया था मैंने आपको? रणथंबोर के हैं हमीर देव चौहान, रणथंबोर रा से स्टार्ट है और ये गद्दार भी जो रा से नाम इनका शुरुआत होता है। ठीक है, बैराट सभ्यता स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी बीजक की पहाड़ी भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली जो भारतीय यूनानी शासकों की हैं, महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है, या डी है यहाँ से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो अब यहाँ पर भी क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो अब आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी, तो इस चीज का ध्यान रखना है। आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है डिटेल में पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, अधूरा ज्ञान जो है वो किसी काम का नहीं होता है, इसीलिए कोई भी आप चीज़ पढ़ें कंप्लीट पढ़ें। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो सही रहेगा, यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं जो भारतीय यूनानी शासकों की हैं। ठीक है, ये गलत है, बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही हैं कि इसकी बीजक की पहाड़ी भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, महाभारत में इसका उल्लेख जो है वो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है, और यहाँ से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 3 लाइन याद रखें। फिर देखें, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? यहाँ पर भी नहीं शब्द पूछा है, बैल, गेंडा, बाघ या हाथी? तो सोचिए सही आंसर क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में बिल्कुल दिया हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो पशुपति की मोहर है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि 2 पशु जो हैं यहाँ पर अंकित हैं और 2 पशु यहाँ पर अंकित हैं। ठीक है, पशु जो हैं वो उत्कीर्ण हैं, 4। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो नहीं है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बैल, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, झोटिंग भट्ट तथा धनेश्वर भट्ट दोनों विद्वान किस शासक के दरबार में थे? राणा मोकल, राणा सांगा, राणा कुंभा या राणा लाखा? तो क्या आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे हो? बिल्कुल सही आंसर जो है वो आप दे रहे हो, तो बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे हो। यदि आप नहीं दे पा रहे हो तो बिल्कुल सही चीज का चुनाव करें जहां आपको हर प्रश्न का जवाब मिले, क्योंकि अब जो है आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा जो है वो काम तुक्के में चल जाएगा। जो भी बच्चा ऐसा सोच रहा है तो वो बिल्कुल पीछे रह जाएगा, और एग्ज़ाम जो है वो एक बार होकर निकल जाएगा, फिर आपको पछताना पड़ेगा कि काश मैंने अच्छे से डिटेल में पढ़ाई की होती।
सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, ठीक है? बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं। इसका सही आंसर है राणा लाखा। तो याद रखिए कि झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट जो है वो महाराणा लाखा जो हैं इनके दरबारी विद्वान थे, ठीक है? कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम पुस्तक लिखी, किसने लिखी? कर्मचंद्र ने, जयसोम ने, राय सिंह ने या मुंशी देवी प्रसाद ने? तो किसकी बुक का नाम है कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम? तो बिल्कुल सही आंसर जो है वो है जयसोम के द्वारा। क्वेश्चन 49 है, निम्न में से सत्य कथन है? तो यहाँ पर सत्य कथन जो है वो आपको बताना है। जो आमेर के मानसिंह हैं उनके बारे में ये कथन पूछे गए हैं। गिरधौर के राजा पूरणमल को पराजित किया था। मानसिंह 1581 से 87 तक काबुल में रहे। मानसिंह 1569 में रणथंभौर अभियान में थे। या उपरोक्त सभी सही है या इन तीनों में से एक कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर जो सही कथन है ये सभी सही है। ये सभी जो कथन है कि गिरधौर के राजा पूरणमल को पराजित किया, राजा मानसिंह जो है 1581 से 87 के बीच में काबुल में रहे थे, मानसिंह 1569 में रणथंभौर अभियान में थे, ठीक है? 1576 ईस्वी का हल्दी घाटी का युद्ध होता है, तो ये पहला अभियान होता है और इसमें जो है सेनापति बनाता है अकबर इनको, ठीक है? और 1573 जो है ये भी याद रखें ये डेट, यहाँ पर महाराणा प्रताप के पास जो है वो जाते हैं राजा मान सिंह कि मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले, शिष्टमंडल में जाते हैं, ठीक है? आपको याद आया होगा। नेक्स्ट देखें, अकबर ने उदयपुर का क्या नाम रखा था? मुहम्मदाबाद, मोमिनाबाद, खिजराबाद या खैराबाद? तो लास्ट दो टेस्ट जो लिए थे मैंने आपको, तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि खैराबाद की बात जो है अकबर के समय की नहीं है, ठीक है? अलाउद्दीन खिलजी के समय की है, तो ये तो क्रॉस ही हो गया। खिजराबाद भी नहीं है, ठीक है? अब मोहम्मदाबाद या मोमिनाबाद, इनमें से आपको देखना है कौन सा सही है। तो यहाँ जो सही आंसर रहेगा वो है मोहम्मदाबाद, ठीक है? ये आपको याद रखना है। तो चलिए आज हमने जो है यहाँ पर राजपूत शासनकाल के 50 क्वेश्चन तक जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं 3 वीडियो में। तो ये आपको प्रश्न कैसे लगे कमेंट में आपको बताना है, कितने आप कर पाए हो ये भी बताना है, आप लोग जो है वो तैयारी आपकी कैसी चल रही है, तो ये सब आप बताइएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम दूसरा टॉपिक लेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।